आओ
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। सो एज वी हैड वी आर अप्रोचिंग द ऑस्पिशियस डे ऑफ नृसिंह चतुर्दशी। So as a prelude to the holy festival, we will speak something about the glories of Prahlad Maharaj. So, जैसे कि हमने सुना कि हम निकट आ रहे हैं नरसिम्हा चतुर्दशी के, तो हम प्रहलाद महाराज की महिमा के विषय में बात करेंगे। So, the interesting talk of Prahlad Maharaj is given in Srimad Bhagavatam, 7th canto, chapter 5, where he is instructing his classmates. So, bahut hi mahatvapurn. प्रहलाद महाराज के विषय में बहुत महत्वपूर्ण कथा श्रीमद् भागवतम में मिलती है, 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में। प्रहलाद महाराज, as you know, he is the son of Hiranyakashipu, and Hiranyakashipu is he had conquered the heavenly planets, and all the demigods were under his control. तो प्रहलाद महाराज, जैसे कि आप जानते हैं, हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं और उन्होंने स्वर्गीय लोगों को अपने काबू में कर दिया था और सभी देवी देवता भी उनके काबू में थे। And he naturally wanted the best for his son. He wanted his son should follow his example and be a very powerful ruler and control others. तो वो बेशक ही अपने पुत्र के लिए अच्छा चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका पुत्र उन्हीं के तरह हो, एक अच्छा राजा हो, शक्तिशाली राजा हो और औरों को अपने नियंत्रण में रखे। So Hiranyakashipu arranged for his son Prahlad to go to Gurukula with other sons of other demons, the friends of Hiranyakashipu. Naturally, they're all demons, and they also had children, and their sons were also sent to Gurukula, but not the Gurukula as we think of a Gurukula. It's a Gurukula for the Asuras. तो प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद महाराज को भी गुरुकुल में भेजते थे। वे वहाँ पर और राक्षसों के पुत्र भी जाते थे। तो ये गुरुकुल वैसा नहीं है जैसा कि वास्तव में गुरुकुल होता है। ये गुरुकुल अलग किस्म का था। यहाँ पर भौतिक बातें उन्हें सिखाई जाती थी। The Gurukula for the Asuras was to train the children how to deal with their enemies. तो असुर के जो गुरुकुल थे, वहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता था कि आपको अपने शत्रुओं के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। Prahlad had always tried to convince his father that he shouldn't see people as friends and enemies, but he should see everyone equally. प्रहलाद महाराज हमेशा अपने पिता को ये समझाने की कोशिश करते थे कि उनको औरों को अपने मित्र और
शत्रु की तरफ भेदभाव करके नहीं देखना चाहिए, परंतु उन्हें एक बराबर की दृष्टि से देखना चाहिए. But the asuras, the demonic nature is that they make distinction. They don't see everyone equally. They will see someone as their friend, someone supports them. And those who oppose them, they will consider them to be the enemy. परंतु जो आसुरी प्रभाव के लोग होते हैं वो सबको एक दृष्टि से नहीं देख सकते हैं. वो जरूर लोगों के बीच में भेदभाव करते हैं और जो उनकी सहायता करता है उनको वो अपने मित्र समझते हैं और जो उनके विरुद्ध जाते हैं उनको अपने शत्रु समझते हैं. So Prahlad, he was put into this kind of school, but it was not his nature. Although he was born in a family of demons, he was a great devotee. तो प्रहलाद महाराज जी हालांकि इस प्रकार के गुरुकुल में उन्हें भेजा गया था परंतु उनका स्वभाव ऐसा नहीं था. हालांकि उनका जन्म एक राक्षसी परिवार में हुआ हो परंतु वो एक बहुत महान भक्त थे. So it happened that while he is with the other boys in the Gurukula, at a certain point the teachers, who were two sons of Sukracharya, they took a break and they left the boys to play. At that time, all the children were engaged in playing with some kind of ball or some kind of game, but Prahlad was not interested to be like them. तो प्रहलाद महाराज को जो गुरुकुल में भेजा जाता था वहां पर शुक्राचार्य के दो पुत्र जो थे वो शिक्षक थे. तो वो उनको जब पढ़ा लेते थे फिर कुछ समय उनको समय दिया जाता था जिसको हम ब्रेक कहते हैं, कुछ समय पढ़ाई के बीच में दिया जाता था. और उस समय प्रहलाद महाराज उन्हें शिक्षा दिया करते थे दूसरे उनके मित्रों को और औरों की तरह वो खेलने इत्यादि के कार्य में नहीं जाते थे. So Prahlad Maharaj sat away from the other boys, and the other boys were surprised to see. They thought, why is he not playing with us? So they all came to inquire from Prahlad, why don't you play with us? Why are you so different? So Prahlad Maharaj औरों की तरह खेलने नहीं जाते थे. तो ये देखकर जो दूसरे उनके मित्र हैं वो उनसे पूछने आए कि प्रहलाद तुम हमारे साथ खेलने क्यों नहीं आते हो, तुम यहाँ अकेले बैठे हो, क्यों तुम हमसे अलग हो. So Prahlad gathered the boys around him and he had them sit down and he began to speak to them, to give them some of the wisdom which he had developed through his own association with devotees. तो प्रहलाद महाराज उनको अपने पास बिठाते हैं और उनको ये ज्ञान बताने लगते हैं जो ये ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था भक्तों का संग करके. And Prahlad began, actually if you read Srimad Bhagavatam, it's a famous verse in the Srimad Bhagavatam, the first verse of the fifth chapter, Komar acharet prajno dharmam bhagavatam ya. From the beginning of life, from the stage of Kumar, one should learn about Bhagavad Dharma. तो श्री प्रहलाद महाराज जी ये श्लोक बताते हैं. तो अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं आपको ये श्लोक पता होगा. बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है. श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद के पांचवें अध्याय का पहला श्लोक है ये कौमारम आचरित प्रज्ञ धर्मान भागवतान का. कि हमको आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना शुरू कर देना चाहिए पांच वर्ष के उम्र से. Childhood, just like Lord Krishna's childhood, is in three divisions, right? There's Kumar, and there's Boganda, and then Kishore. So first 5 years is Kumar, and then Boganda, 5 to 10, and then 10 to 15, Kishore. तो जैसे भगवान कृष्ण का भी बचपन तीन भाग में है, कुमार, पौगंडा और किशोर. तो 5 वर्ष तक की आयु तक कुमार अवस्था है, 5 से 10 पौगंडा और 10 के बाद किशोर. So Prahlad Maharaj is telling his friends that we should learn about religious principles from the beginning of life.
तो प्रहलाद महाराज अपने दोस्तों को कह रहे हैं कि हमको धर्म के सिद्धांत सीखना शुरू कर देना चाहिए जीवन के शुरुआत से ही. Quite interesting. One devotee couple were describing how they didn't like to leave their children with the maids because they said, if I leave my child with the maid, they'll get the samskaras from the maid. Although that it's my child, I've given birth to the child, but if I leave my child, go to work every day, and leave my child with the maid, it will simply develop the samskaras from the maid. So, एक बहुत अद्भुत बात है महाराज बता रहे हैं. एक भक्त शादीशुदा भक्त के जोड़े ने महाराज से आके कहा था कि वो अपने बच्चे को घर में काम करने वाली जो नौकरानी है उसके साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि यदि वो उसके साथ छोड़ेंगे तो बच्चे को जो संस्कार मिलेंगे उस काम करने वाली स्त्री से मिलेंगे. तो कहते हैं कि हालांकि बच्चे को जन्म तो हमने दिया है लेकिन हम उसको उस नौकरानी के पास नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि संस्कार तो वो उससे प्राप्त करेंगे. So thinking in this way, the couple decided the mother doesn't need to go to work. She's better to stay at home and take care of the child and give good training to the child. तो ये सोच के वो विवाहित जोड़े ने ये फैसला किया कि अच्छा होगा कि माँ नौकरी पर नहीं जाए और बच्चे के साथ रहे और बच्चे को अच्छी शिक्षा दे. Of course, even better than just being with the mother is to put the child in the gurukul, to be with the devotees, to be with spiritual people, and to get proper training in religious principles. तो बेशक अपने माता के साथ होने से भी और अधिक अच्छा है बच्चे को हम गुरुकुल भेजें, जहाँ पर वो और भक्तों का संग करेगा और वैदिक सिद्धांत क्या है वो समझ पाएगा. I was hearing how some young men from here, from this congregation here in Dubai, that they had gone to India. They went to Chaupati, was it, to get training in Brahmacharya life. I thought, oh, very nice. They're very lucky. So, मैं सुन रहा था, मुझे ये समाचार प्राप्त हुआ कि आपके यहाँ से सत्संग से आपके यात्रा से कुछ युवक गए थे चौपाटी मंदिर और वहाँ कैसे ब्रह्मचार्य जीवन बिताना है उसकी शिक्षा प्राप्त की. तो मैंने सोचा वाकई में ये बहुत अच्छा है और वो जो युवक गए वो बहुत भाग्यशाली हैं. They'd already passed the Kishore stage. They were in the Yovana stage. They were teenagers. But still, it's very good to get that opportunity as early as possible in life. तो बेशक वो किशोर अवस्था को पार कर चुके थे, अब युवक के जीवन में थे, लेकिन फिर भी ये अच्छा है कि उन्हें ये अवसर प्राप्त हुआ और ये अवसर हमको जीवन में जल्दी प्राप्त होना चाहिए इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का. People coming to Krishna consciousness in old age are also welcome. Of course, we encourage them, but it's more difficult for them. As the saying goes, you cannot teach the old dog new tricks. तो बेशक हम स्वागत करते हैं लोगों का बड़ी उम्र में भी कृष्ण भावनामृत में जुड़ने के लिए, परंतु उनके लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वो एक कहावत कही जाती है कि एक पुराने कुत्ते को नई चीजें सिखाना, नए तरीके सिखाना कठिन है. Of course, we do have examples of people that they do, sometimes they can become perfect just at the end of life. That is very special. It's not so common, but it is possible. तो बेशक हमको उदाहरण है ऐसे व्यक्तियों का भी जो जीवन के अंत में आके अपना जीवन सफल बनाते हैं. तो ये इतनी आम बात नहीं है कि ऐसा होता है, परंतु फिर भी ये संभव है. And even if people do come to Krishna consciousness later in life, and they may not be able to perfect their life in this time, but certainly in the next life, they can go on and perfect their life. There's no loss in their endeavor.
तो बेशक कोई व्यक्ति अगर बड़ी आयु में भी कृष्ण भावनामृत में आए तो ठीक है, वो इस जन्म में पूरा नहीं कर पाया लेकिन वो अगले जन्म में फिर ये कृष्ण भावनामृत जारी रखेगा, तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। But Prahlad Maharaj is addressing his class friends, they're of his age, the young boys, all his age. He's a young child and he's telling them that this is the time for us to understand what is Bhagavad Dharma. तो प्रहलाद महाराज अपने गुरुकुल जहाँ पर वो जा रहे हैं वहाँ के अपने मित्रों को ये सब बता रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और वो उनको कहते हैं कि अब हमें ये समझना है कि वैदिक धर्म क्या है। प्रहलाद महाराज impresses upon them that the human life is very rare. We're very fortunate to have this human body. It's an opportunity for spiritual life. प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को ये बात बताते हैं कि जो मनुष्य का जीवन है ये बहुत दुर्लभ है, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि अब हमें ये मनुष्य जीवन मिला है जिसमें हम जीवन का लक्ष्य क्या है ये समझ सकें। So making proper use of this human life, we need to get the association of devotees. We need to hear from the devotees and that way will help us to get a good foundation. तो मनुष्य जन्म प्राप्त करके हमें भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों के संग में हमें सुनना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, फिर हमारी अच्छी भूमिका बैठेगी इस पे। We give great importance to children because the children are our future devotees for the Krishna consciousness movement. And Srila Prabhupada encouraged us to help these children that in the beginning of life they can learn how to be a devotee of Krishna. तो हम बहुत ध्यान देते हैं बच्चों पर क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य के कृष्ण भावनामृत के भक्त हैं और शिला प्रभुपाद जी ने भी हमें प्रेरित और उत्साहित किया था बच्चों का ख्याल देने पे ताकि ये भविष्य के भक्त बनेंगे। Srila Prabhupada described about his own childhood, how he was fortunate that his father was a very good devotee of Krishna and his father encouraged him and facilitated a wise practice of devotion. Srila Prabhupada ji swayam ka udharan dete hain apne bachpan ka ki kis prakar se unke pita ek bahut acche bhakt the aur unke pita ne unhe prerit kiya, unhe prabhavit kiya ki ve bhi acche bhakt bane. And as Srila Prabhupada grew up as a young man, he told us there was some talk among the family that they would send him to England to become a lawyer, but his father objected. So Srila Prabhupada ji batate hain ki jab wo naujawan vyakti yuvak ki umar mein aaye to unke ghar mein kuch baatcheet chal rahi thi ki unhe UK London bheja jaye vakil banne ke liye. परंतु उनके पिता ने इस बात को नहीं स्वीकारा। His father would say, I don't want my son to be a worldly person. And his father had his son trained to do things like playing mridanga. श्रील प्रभुपाद जी के पिता ने कहा, मैं नहीं चाहता मेरा पुत्र भौतिक जगत का एक व्यक्ति बनेगा। और श्रील प्रभुपाद जी के पिता ने उनको शिक्षित किया और विभिन्न चीजों में जैसे मृदंग बजाने के लिए। So the point is, the childhood, the period of childhood is very important. And if children can get that exposure to spiritual practices, then it can have the best, the most, the greatest value in their later life. तो मुख्य बात ये है कि बचपन बहुत महत्वपूर्ण भाग है जीवन का। और अगर बच्चों को इस समय इस कृष्ण भावनामृत के बारे में बताया जाए तो उनके आगे के जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। Of course, those of you who are in family life, you will say, oh no, no, we don't want our sons to be brahmacharis. We want our sons to grow up and that they should get married and they should have
But we're not against that. That is not wrong. Brahmachari is just the beginning. But as they grow up, then they can also get married and enter into family life. Just like Prahlad. Prahlad also is a, becomes a householder. So aap mein se yahan par shayad koi grahast bhakt honge, wo kahenge, nahi nahi, hum nahi chahte ki hamare bacche brahmachari bane. Parantu ब्रह्मचारी जीवन जीवन का एक हिस्सा है. आपके बच्चे बाद में जाके गृहस्थ बन सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है. जैसे कि हम प्रहलाद महाराज के उदाहरण से भी देखते हैं, आगे चल के वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए. But the brahmachari training in the beginning is very important. It will give them this ability to control their mind and senses and to absorb themselves in spiritual practice. परंतु ये ब्रह्मचार्य शिक्षण ये जीवन की शुरुआत में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उस व्यक्ति को शिक्षा देगी कि कैसे अपने मन और इंद्रिय पे काबू पाया जाए और आगे जाके वो एक अच्छे भक्त बन पाए. So brahmacharya is only the first part of life. It's the training which is very important. That today, the many young people are not trained in any spiritual practice. They have no sense of values. So, ये ब्रह्मचार्य जीवन का एक भाग है. ये बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर हम ये शिक्षण प्राप्त करें. आजकल के हम युवक देखते हैं, उनको ये ब्रह्मचार्य आश्रम के बारे में कुछ बताया नहीं जाता. उन्हें ये शिक्षा नहीं होती है कि जीवन का वास्तविक मूल क्या है. So if you read this chapter in Srimad Bhagavatam, you can hear Prahlad Maharaj pointing out all of the things which should be avoided in childhood. So agar aap ye adhyay ko padhenge, to aap dekhte hain isme Shri Prahlad Maharaj wo baatein bata rahe hain jinko bachpan mein hame jinse bach ke rehna chahiye. Now this is not only true for Prahlad Maharaj. But if you read about the life of Narada Muni, before he became the son of Brahma, he was the son of a maidservant woman. And at that time, he had the opportunity to associate with saintly persons. So, ये केवल प्रहलाद महाराज के जीवन के लिए ही उपयुक्त नहीं है. ये हम नारद मुनि के जीवन में भी देखते हैं. ब्रह्मा के पुत्र होने का पहले नारद मुनि एक काम वाली स्त्री के पुत्र थे और वहां पर उन्हें एक अवसर प्राप्त हुआ था साधुओं के संग करने का. Narada Muni himself was describing to Srila Vyasadeva how in his previous life he had been the son of a maidservant and he was helping his mother when some saintly people came to stay in the lodging house which his mother was running. And at that time, Prahlad had the opportunity to serve these people and to associate with them. So Narad Muni ये वर्णन करके बताते हैं कि जब उनकी माँ इस प्रकार काम किया करती थी औरों के घर में, तो वहाँ पर कुछ साधु आए थे और वहाँ पर Narad Muni को ये अवसर प्राप्त हुआ था उन साधुओं का संग करने का और उनकी सेवा करने का. I'm remembering. One of my godbrothers is His Holiness Subhak Swami. Subhak Swami is from India. He was born in Calcutta. And he told me when I joined the Krishna Consciousness Movement, he was already there in London. His family had sent him to England for education. And he told me, he said, they sent me to England because they saw that when I was in India, I was always going to temples and associating with sadhus. So they sent me to England to get away from all these places and go and get a material education. So Maharaj Ji bata rahe hain, ye baat karte hue unko smaran hola hai unke guru bhai ka, jinka naam hai Shri Subhak Swami Maharaj, jo Bharat se hain. और वो कहते हैं कि मेरे माता पिता ने मुझे यूके लंदन भेजा पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि जब मैं भारत में था मुझे रुचि थी, मैं बहुत बार मंदिर चला जाता था,
तो मेरे माता पिता ने मुझे यूके भेजा ताकि वहां मंदिर नहीं है और ये मंदिर में नहीं जाएगा. So he went to the UK and he met the devotees. And when he met them, he immediately moved into the temple. He gave up everything and came and lived in the temple and went on to become a wonderful devotee. He's preaching Krishna consciousness around the world. फिर जब वो यूके में गए उनका संपर्क हुआ भक्तों से और जैसे ही उनका संपर्क हुआ भक्तों से वो अपना पढ़ाई छोड़ के मंदिर में चले गए और अब आप जानते हैं वो बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं और विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं. It wasn't the kind of life his parents wanted for him, but they had to accept it. They saw that somehow by the grace of Lord Krishna it had been arranged like that and there was no avoiding it. And Prabhupada met his mother and said to her, you know, he said, what do you want to do? Do you want to cuddle him? You know, so Prabhupada, being a Bengali himself, he could speak to his mother and he comforted her and told her, you know, you should be proud of your son that he's given his life for the service of Krishna. तो सुभांग महाराज जी के माता पिता को जब ये पता पड़ा कि अब वो भक्त हो गए हैं तो उन्होंने इसको भगवान की ऐसी इच्छा है इस प्रकार के समझा कि हम क्या कर सकते हैं, भगवान ही चाहते हैं. और श्रीला प्रभुपाद जी भी उनकी माता से मिले और श्रीला प्रभुपाद जी ने उनको माँ को कहा, तुम क्या चाहती हो, तुम्हें क्या गले लगना है अपने बेटे के साथ? तो तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा बेटा ने अपना जीवन कृष्ण को समर्पित किया. So Srimad Bhagavatam said, don't become a parent unless you can deliver your children from birth and death. It's a great responsibility to bring a child into the world. And that responsibility is to give them Krishna consciousness. So Srimad Bhagavatam kehta hai ke mata pita mat bano jab tak tum apne bacche ko का उद्धार नहीं कर सकते हो. ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जब कोई व्यक्ति इस दुनिया में बच्चे को, संतान को लाता है तो उसको भगवान तक पहुंचाना ये उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. So Prahlad Maharaj wanted to impress upon his school friends the importance of understanding what is the value of life. He said, you are wasting your life playing games, running after balls. प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बताना चाहते थे कि जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या मूल सिद्धांत है जीवन का. वो अपने मित्रों को कहते हैं, आप लोग समय बर्बाद कर रहे हो इस प्रकार गेंद के पीछे भाग के. Right? Football, cricket ball, basketball, golf ball, so many balls. They're all playing games. Wasting the valuable human life. तो फुटबॉल गेम है, क्रिकेट एक खेल है, बास्केटबॉल दूसरा खेल है, गोल्फ का बॉल दूसरा खेल है. तो जहाँ देखे बॉल ही बॉल है. तो व्यक्ति इस प्रकार अपना जीवन बर्बाद कर रहा है बॉलों के पीछे भाग के. नारद मुनि तो श्रील व्यासदेव जी said, well, I was the son of the maidservant woman. I associated with the saintly persons and they were very kind to me because they saw I was not a nonsense. I didn't talk a lot of nonsense. I controlled my senses and I was obedient and served them nicely and they blessed me. तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार बताते हैं कि उनकी माँ ऐसे घरों में काम करने वाली स्त्री थी और जब ये साधु वहाँ आए उन्होंने देखा कि प्रहलाद महाराज कुछ बेकार के काम नहीं कर रहे हैं, कुछ बकवास नहीं कर रहे हैं, बकवास चीजों में समय नहीं लगा रहे हैं, उनकी इंद्रिय और उनको मन पे नियंत्रण है. तो जब उन साधुओं ने ये देखा तब उन साधुओं ने उनको आशीर्वाद दिया नारद मुनि को. नारद मुनि also said, I didn't play games. We see today how so many people are wasting their life playing games with their mobile phones or with their computers. They have so many games. It's such a big industry for people to play games. And in this way, they just
waste the valuable time in this human body. So Narad Muni एक बात उस समय बताते हैं कि मैं कोई खेल नहीं खेला करता था. महाराज कह रहे हैं कि आज के समय हम देखें तो लोग कितना समय बर्बाद कर रहे हैं, मोबाइल फोन पर भी खेल खेलते रहते हैं. ये पूरी जो खेल बनाते हैं ये एक बहुत बड़ा व्यापार है, इससे चलता है ये खेल बनाने का. तो इस प्रकार से लोग मोबाइलों में और इस प्रकार से ये खेल खेल के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं. प्रहलाद महाराज डिस्क्राइब्ड हाउ वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एवरी डे. We sleep so many hours a day. Materialistic people, they can spend 10, 12 hours a day sleeping. Lord Maharaj बताते हैं किस प्रकार हम इतना समय बर्बाद करते हैं सोकर, नींद करके. तो जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो 10 से 12 घंटे भी बर्बाद कर देते हैं सोने के लिए. You may live 100 years, but if you sleep half the day, then you're sleeping 50 years. Half of your life is wasted. तो आपकी आयु शायद 100 वर्ष हो सकती है, लेकिन आप आधा दिन सोगे तो आप केवल 50 वर्ष जिए. आपने आधा समय तो उसको बर्बाद कर दिया. After Chaitanya Mahaprabhu took his initiation in Gaya, he came back to Mayapur. He gathered the devotees. He told them, Let's not sleep anymore at night. Let's have kirtan every night. Why should we spend so much time sleeping? Let us meet every night and we will have kirtan. जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और वापस गया है तो उन्होंने भक्तों को कहा आज से हम सोना बंद कर देंगे. क्यों हम अपना समय बर्बाद करें इतना सो के. आइए हम सब मिलेंगे और रात को कीर्तन किया करेंगे. So in this way the devotees gathered in Srivasangam and had nocturnal kirtan every night. इस प्रकार भक्त इकट्ठा होते थे श्रीवासांगन में और रात भर कीर्तन करते थे. Prahlad Maharaj warned the boys how we spend the first 20 years of our childhood playing these games, running after footballs or whatever we're playing. And then 20 years is spent playing in childhood. In old age, we spend 20 years in invalidity. तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बोल रहे हैं कि पहले 20 वर्ष हम हमारे जीवन के खो देते हैं इस प्रकार खेल खेल के, ना गेम के साथ खेल खेल के. फिर 20 वर्ष अपने युवक जीवन के लिए तैयारी के लिए गवा देते हैं और बुढ़ापे में 20 वर्ष गवा देते हैं क्योंकि उस समय हमारा शरीर कुछ कार्य करने के योग्य ही नहीं रहता. तो अयोग स्थिति में 20 वर्ष और गवा देते हैं. One of the devotees was in hospital and he told me while he was in hospital, he was observing other people in the hospital. He said there were some elderly people who were helpless and a maid was hired to take care of the elderly person. But the maid spent the whole day watching television. Though she's supposed to be looking after the needs of the old person. The old person's laying on the bed, he cannot move, cannot do anything. The maid just sitting watching television the whole day. So Maharaj bol rahe hain ki haal hi mein unki baat cheet ho rahi thi ek bhakt se jo hospital mein tha. और वो भक्त बता रहा था कि अस्पताल में कितने बड़ी आयु के बूढ़े व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं कर सकते हैं अपने शरीर से और उनकी सहायता करने के लिए काम वाली रखी जाती है उनके पास, परंतु जो काम करने वाली स्त्री रखी जाती है वो पूरा दिन केवल टीवी देख रही है. हालांकि उसे रखा गया है उस बूढ़े व्यक्ति की सहायता करने के लिए, लेकिन वो पूरा समय टीवी देखती रहती है. So childhood, 20 years wasted. Old age, 20 years also taken. How much time have you got left? Because you're sleeping also half the day. There's very little time left. We have to know how to use this human life. Every moment is valuable. तो देखिए बचपन में खेलते खेलते 20 साल निकल गए, युवक के 20 साल निकल गए, बुढ़ापे के 20 साल निकल गए, सोने में कुछ साल निकल गए. तो कितना समय वास्तव में हमारे पास है. तो समय बहुत मूल्यवान है, हमें बहुत सोच समझ के इसका उपयोग करना चाहिए. Srila Prabhupada used to quote Chanakya, who told us, who says that
टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड। श्रीला प्रभुपाद जी चाणक्य पंडित को संबोधित करते हुए कहते थे कि चाणक्य पंडित ये कहा करते थे कि समय सोने से भी ज्यादा मूल्यवान है। This is something Chinese people also agree in. Because I spend a lot of time in China, I've learned some sayings in Chinese, and there's a Chinese saying, "I tun jing nan mai tun guan ying." The meaning is, you can buy an inch of gold, but you cannot buy an inch of time. So, ये बात चाइना के व्यक्ति भी मानते हैं, क्योंकि मैं काफी समय चाइना में बिताता हूँ, तो मैंने कुछ चाइना की कहावतें सीखी हैं। कहावत मैं नहीं दोहरा पाऊंगा, परंतु इसका अर्थ यह है कि आप थोड़ा सा एक इंच जितना सोना खरीद सकते हो, लेकिन एक इंच जितना समय आप नहीं खरीद सकते। And in China they also say, "Guangying shijian, time moves like an arrow. It moves so fast, you don't see it till it hits the target." और चाइना में ये भी कहते हैं जो महाराज ने कहा कि समय है बाण की तरह चलता है, इतना तेजी से चल सकता है, आप रोक नहीं सकते हो। So Prahlad Maharaj is making these points. He's appealing to his classmates. He wants them to understand the value of the life which they have. तो प्रहलाद महाराज ये बात बता रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके जो गुरुकुल में मित्र हैं समझें कि जो उनके पास ये जीवन है उसका मूल क्या है। Although they are born in demoniac families, they are young children, and yet because they are young children, their hearts are quite clean, and they are quite willing to hear Prahlad, and they are very receptive to the message of Prahlad. क्योंकि वो हालांकि वो राक्षसी परिवार में जन्मे हैं, परंतु वो अभी भी बच्चे हैं, छोटी आयु के बच्चे हैं, तो उनका हृदय कुछ हद तक साफ है। तो इसलिए वो प्रहलाद महाराज की ये बातों को सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। And Prahlad also warns them the nature of materialistic life, how it's so much suffering in this world. प्रहलाद महाराज उनको सावधानी देते हैं भौतिक जीवन के विषय में कि इस भौतिक जीवन में कितनी पीड़ा है। The suffering begins while we're in the womb. The child suffers in the womb of the mother. The child suffers when they take birth. The child suffers growing up. पीड़ा शुरू होती है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उसी समय से पीड़ा शुरू होती है। जन्म के समय पीड़ा होती है, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है उस समय भी पीड़ा होती है। You go on to college, study schools and colleges, and it's more suffering. And it doesn't end when you graduate. Then you have to go and find a job. More suffering. तो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस समय कितनी पीड़ा होती है। और पीड़ा कॉलेज से निकल के पढ़ाई करके समाप्त नहीं होती, फिर जाके नौकरी ढूंढनी पड़ती है, उसकी अलग और पीड़ा होती है। Srila Prabhupada talks about that you have to have the dog mentality. You go and beg, "My dear sir, please give me a job. I will be a good dog for you." Srila Prabhupada ji bolte hain isko ye kutte ki manobhavna ki tarah hai ki humko kutte ki tarah jaake na naukri dhoondni padti hai aur kehna padta hai, "Mere priya malik ji, mujhe naukri dijiye, main aapka acha kutta banunga." Going to meet people for life membership. You know, for many years we used to make life members to support the temples which we had. So we would have to go and try to meet different big people, the managers or the bosses of companies. But there would always be so many people to block you. No, you can't see him, he's busy, you know. Just like so many dogs, people are there just to stop you from meeting the person you really want to see. तो सॉरी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में आपको पता होगा एक कार्यक्रम है जिसको कहते हैं लाइफ मेंबरशिप। महाराज बता रहे हैं जब इस लाइफ मेंबरशिप के लिए लोगों को जोड़ने के लिए भक्त जाया करते थे, बड़े बड़े व्यापारियों के धनी लोगों के दफ्तर में जाया करते थे, तो वहां पर और बहुत लोग होते थे जो उनको उस व्यापारी से मिलने के लिए रोकेंगे
मना करेंगे, तो ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई घर में कुत्ते रोकते हैं अंदर आने के लिए, तो ये जो दूसरे काम करने वाले हैं कुत्तों की तरह हमें रोका करते थे कि हम उनके मालिक से नहीं मिल पाए। Material life, the life of the materialist is just suffering. A little drops of happiness are there, but they will never admit that they're suffering. That's the wonderful thing about materialists, that they will always say, no, no, I'm happy. So इस प्रकार भौतिक जीवन में हम देखेंगे कितनी पीड़ा है, कुछ थोड़े से बूंद है खुशियों के, लेकिन पूरी तो पीड़ा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक भौतिक व्यक्ति, आम भौतिक व्यक्ति इस बात को कभी स्वीकारेगा नहीं। आप उसे कहेंगे पीड़ा है, वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो खुश हूँ। One devotee's mother came to see Srila Prabhupada, and it was a very hot summer day, and she came into Prabhupada's room and she said, Oh, it's so hot, Swamiji. And Prabhupada began to speak about how there's so much suffering in the world. But as soon as he began to speak about how we're all suffering, she said, no, I don't agree, we're not suffering. And Prabhupada said, just a minute, just now you were saying you were suffering so hard. People, materialistic people are like that. They won't admit their suffering. So Srila Prabhupada ji ek udaharan dete hain ki ek bhakt ki mata unse milne aayi thi. वो आके ही कमरे में कह रही थी, प्रभुपाद जी वो बाहर बहुत गर्मी है, आज का दिन बहुत गर्मी है। और फिर शिला प्रभुपाद जी आगे जाते हैं और इस भौतिक दुनिया में पीड़ा है उस पर बात करते हैं, तो फिर वो औरत कहती है नहीं, इस दुनिया में कोई पीड़ा नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अरे अभी आप बोल रहे थे कि इतनी गर्मी है और अब आप बोल रहे हो पीड़ा नहीं है। So Prahlad Maharaj was in this way, he was appealing to his class friends that they should not listen too much, they shouldn't take the teachings which they're receiving from the demonic teachers very seriously, but they should understand the real teaching. Prahlad Maharaj is prakar apne mitron se kehte hain ki unko us gurukul ke shikshakon ki shiksha ko gambhirta se nahi lena chahiye, parantu vastavik shiksha kya hai wo grahan karni chahiye. They were teaching that there, you have to distinguish friends and enemies. But Prahlad Maharaj was explaining to the boys that the real enemy are the uncontrolled senses and the uncontrolled mind. So वो कह रहे थे कि हमको भेद करना चाहिए कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है. लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वास्तविक शत्रु जो है वो है न नियंत्रण में रहने वाला मन और न नियंत्रण में रहने वाली इंद्रियां। So if from the beginning of life, while one is still Kumar, means 5 years old and younger, if they are trained in spiritual life to practice some discipline, it will be very good for them. It will give them strength of character, and they can grow up to be able to control their mind and to live peacefully, happily, and successfully. इस प्रकार से 5 वर्ष की उम्र से ही यदि किसी को आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान बताया जाएगा, तो उसका बहुत अच्छा व्यक्तित्व आगे चल के बनेगा और वो सीख पाएगा कि कैसे इंद्रिय और मन को काबू करके जीवन बिताना चाहिए। So in this way, Prahlad Maharaj was telling the boys everything they needed to know. Of course, they were surprised, and they asked Prahlad, where did you get all this knowledge from? They had never heard this before. So इस प्रकार प्रहलाद महाराज उन मित्रों को बता रहे थे क्या कुछ उन्हें सुनना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, और ये सुनने के बाद उनके मित्र कहते थे, आश्चर्य में पड़ जाते थे कि प्रहलाद महाराज तुमको ये सब कहाँ से पता पड़ा, हमने तो ये सब पहले कभी नहीं सुना। And Prahlad told them how he had got the opportunity to associate with saintly devotees, and he had heard from them, and this is how he had all of this knowledge which he was able to share with them. Prahlad Maharaj unko batate hain kis prakar unhe avsar prapt hua tha sadhuon se sunne ka, unka sang karne ka, aur wahan se unko ye gyan pata pada.
So by the grace of Srila Prabhupada, we've also been given this opportunity to understand this transcendental knowledge and to understand it and then to share it with others, to distribute it, to give it to others. Srila Prabhupada ji ki kripa se hame ye avsar prapt hua hai ki adhyatmik gyan khud samajhne ka aur fir isko auron ko baantne ka. And Prabhupada Maharaj will say in his prayers to Lord Nrisingadev later that he will say to Lord Nrisingadev that I'm not worried about myself because wherever I go, heaven or hell, there's no difference for me because I am always absorbed in remembering the glories of the Lord. मुझे कोई चिंता नहीं है मैं कैसा हूँ कहाँ भी हूँ नरक में हूँ या स्वर्ग में हूँ क्योंकि मैं हमेशा मेरा मन हमेशा पूरी तरह से लगा हुआ है भगवान के गुणगान गाने में. But I am concerned for those poor souls, those unfortunate people who are making plans, trying to be comfortable in this material world. He said, I am concerned with love for them. और प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं उनके लिए चिंतित हूँ जो व्यक्ति इस भौतिक दुनिया में योजनाएं बना रहे हैं सुखी रहने के लिए उनके लिए मैं चिंतित हूँ मेरा प्रेम उनके प्रति है. So this is the mood of Prahlad Maharaj. We want to appreciate him for this Nrisinga Chaturthi. Hare Krishna. तो ये मनोभावना है प्रहलाद महाराज का हम उनकी सराहना करेंगे इस नरसिंह चतुर्दशी के आने वाले महोत्सव के संपर्क में. Is all Bhakti Vegrina Shanashika Swami Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Narasimha Deva Bhagwan ki jai. Okay, Hare Krishna. So we had a prelude. I think I would request everyone of you to go and read Srimad Bhagavatam every day, 7th canto, the teachings of Srila Prabhupada, of Prahlad Maharaj that Maharaj is covering today. It's so wonderful. You can see how he's got it all in his mind. Srimad Bhagavatam is running. He covered shloka after shloka. And thank you. I think we're going to have a longer session on Wednesday. Sevananda Prabhu, what time to what time? 7 to 11. 7 to 11. Can you book 2 halls, please? Okay. And Sunil Madhav Prabhu, make sure that you have connectivity of a video from one to another. Yeah, thank you. So, first, I'd like to thank all of you for being here. ये जो सिद्धि हॉल में प्रोग्राम जब से सिद्धि हॉल बनी उसके पहले से ही हो रही है प्रोग्राम जबकि जब ये हॉल बन रही थी तब वाशु साहब जी हमको बोला कि पूरे हॉल पूरा बिल्डिंग ले लो आप करने के लिए प्रोग्राम. सो बहुत से हफ्ते इतने साल से इधर कर रहे थे और तकरीबन 700 लोग इधर बैठ जाते थे. बैठने का जगह नहीं होती थी यहाँ के डोर दरवाजा खोल के बाहर गिटा देते लोग. ऐसा देखना है हर एक शुक्रवार. ठीक है. तो आप सब यारे देखा तरीका कृष्ण उपदेश. तो आप सब दूसरों को बोलिए और हो सकता है कि जैसे अभी मैं दुकान के पास गया था मंदिर के पास बाहर ही बैठते हुए कार्ड देते हैं मेरे ख्याल में बाहर ही बैठते हुए एक प्रसाद बांट दो इधर अंदर आने के लिए. ठीक है. तिलक पहना के सबको अंदर लाओ और लेट अस हैव अ लार्ज प्रोग्राम. लेट्स मेक इट मोर एंड मोर अपीलिंग एवरीबॉडी टू जॉइन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. हैविंग सेड दैट टुडे इज प्रसाद स्पॉन्सर एंड आल्सो प्रेइंग फॉर द बर्थडे.